इस संदेश के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं कि कल से जो परीक्षाएं आयोजित हो रही थी राजस्थान सरकार के प्रमोट के निर्णय के पश्चात सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। उसके पश्चात जो केंद्र सरकार की यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की जिसमें कहा गया कि हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाएंगे, वो भी उन्होंने सितंबर का कहा है, उसके लिए हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं। आज हम कुलपति महोदय के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम हमने ज्ञापन भी दिया है और कल हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम वर्ष की भी परीक्षाएं नहीं हो, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का जीवन महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा तो मैं इस बात को लेकर आज अचानक जुड़ना पड़ा कि कई साथियों के फोन आ रहे हैं कि अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने की घोषणा की है यूजीसी ने, तो हो सकता है कल से हमारी परीक्षाएं तो नहीं है, क्योंकि 9 तारीख का टाइम टेबल जारी किया था महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने, खासतौर से बीकानेर संभाग के लिए। तो इस सूचना के माध्यम से आप पूरे जो बीकानेर संभाग के जितने भी नौजवान साथी है उन तक शेयर करके या सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना पहुंचवाएं कि कल किसी भी तरह की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही है। सूचना के अभाव में कई साथी अगर परीक्षाएं देने परीक्षा केंद्र पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर संक्रमण की संभावनाएं बढ़ेगी। इसलिए आप अधिकांश जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, शेयर करते हुए ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस सूचना को पहुंचाने का काम करें कि कल किसी भी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही है। जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया आप और हम सब लोगों के प्रयास के चलते कि सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करेंगे, उसके कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नवीनतम गाइडलाइन जारी की यूजीसी ने, उसमें कहा गया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हम सितंबर में आयोजित करेंगे, तो उसके लिए भी हम कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संदेश के माध्यम से एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब साथियों से कि जितने भी नौजवान साथी जो बीकानेर के आसपास रह रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित इलाके हैं, उनसे अगर कहीं बाहर रह रहे हैं, जो बीकानेर में रहे हैं, जिनके आने में आसानी हो, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, वो साथी कल हमारे प्रदर्शन के अंदर शामिल हो। इस संदेश के माध्यम से मैं आप सब साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य है पूरे प्रदेश के हर एक नौजवान के स्वास्थ्य की का ख्याल रखते हुए परीक्षाओं को रद्द करवाने का है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमने राज्य सरकार से मांग करते हुए लड़ाई लड़ी आप सब लोगों के सहयोग के चलते, और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हमने जीता, वही स्थितियां होंगी, इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। लेकिन आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कल जो साथी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हम लोगों को प्रदर्शन करना है, कल के प्रदर्शन में जो भी साथी शामिल होना चाहते हैं, परेशान होकर नहीं आना है, आसानी से आ सकते हैं, कोई नजदीक है तो ही आए, वो अपने साथ मास्क या रुमाल या गमछा लेकर आए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों को प्रदर्शन करना है। जो साथी इस विद्यार्थियों की वाजिब मांगों को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, आज हमने जो ज्ञापन सौंपे, कल से हम इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं इस संदेश के माध्यम से पूरे प्रदेश के नौजवानों को, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम संकल्प बंद हैं और एक एक विद्यार्थी के जीवन की सुरक्षा के लिए हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं जिस प्रकार का आप लोगों का सहयोग और साथ रहा, उसी प्रकार का सहयोग और साथ बना रहा, तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। प्रदेश के एक एक नौजवान के प्राणों की सुरक्षा करना, उसके जीवन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, यूजीसी को भी हम फैसला बदलने पर मजबूर करेंगे, केंद्र सरकार को भी हम फैसला बदलने पर मजबूत करेंगे। इसलिए आप जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, परीक्षाओं को जो आयोजन था उसको लेकर जो संशय बना हुआ है कई साथियों का, उसकी सूचना आप ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस संदेश के माध्यम से पहुंचाने का काम करें। मुझे पूरा भरोसा है आप जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, सब शेयर करके या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी नौजवान साथी हैं पूरे बीकानेर संभाग के, उन तक सूचना पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक नौजवान के जीवन की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं एक भी हमारे प्रदेश के नौजवान साथी के प्राणों को हम खतरे में नहीं पड़ने देंगे। इस बार जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है परीक्षाओं को अंतिम वर्ष के करवाने की, उस गाइडलाइन को भी हम रद्द करवाएंगे, उस गाइडलाइन में हम बदलाव करवाएंगे, ये मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। आपका साथ विश्वास बना रहे, इस लड़ाई को भी जीतेंगे, ये मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। आपका साथ विश्वास बना रहे, इस लड़ाई को भी जीतेंगे। प्रदेश के एक एक नौजवान के हक और अधिकार के लिए लड़ना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, ये कोई एहसान की बात नहीं। अगर आप खुद को युवाओं का प्रतिनिधित्व करने की बात करते तो आपका नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जब पूरे देश के अंदर संपूर्ण मानव जाति पर कोरोना वैश्विक महामारी का संकट
के बादल मंडरा रहे हैं, उस समय आप नौजवानों की आवाज बनने का काम करें। इसलिए एनएसयूई बीकानेर के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर विद्यार्थियों के हक और अधिकार की इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। मुझे विश्वास है सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग और साथ मिला वही आगे निरंतर बना रहेगा। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं प्रदेश के एक एक नौजवान को, जो आप लोग विश्वास लगाकर बैठे हैं, जो आप लोग हमसे भरोसा लगाकर बैठे हैं, आपके इस विश्वास की भरोसे की इस उम्मीद को हम अंतिम सांस तक भी लड़कर टूटने नहीं देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला देना चाहता हूं। लेकिन कल के प्रदर्शन के अंदर जो साथी आसानी से शामिल हो सकते हैं वो अपने साथ मास्क, सैनिटाइजर, रुमाल, गमछा, जो सोशल डिस्टेंसिंग की नियमावली सरकार ने जारी की है उनका पालन करते हुए हमें लोगों को प्रदर्शन करना है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो सकते हैं तो उपस्थित हो, लेकिन पूरा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुझे आशा है आप सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी की गई नियमावली का पूरा ख्याल रखें। बीकानेर के आसपास के जो हमारे जिले हैं वहां लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, घर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि हमारे माता पिता ने हम सब लोगों से बेहद बड़ी उम्मीद लगाकर, आश लगाकर हम लोगों को कड़ी मेहनत करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप जो कोई भी साथी आसपास बीकानेर के हैं वो कल के प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे और प्रदेश के नौजवानों की, प्रदेश के युवाओं की आवाज बनने का काम करेंगे और हमारा साथ देंगे, इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे, मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, आपके लिए हम लड़ेंगे, आपकी इस लड़ाई को हम जीतेंगे, ये मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं। लेकिन आपका विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विश्वास के किसी भी लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता, बिना साथ के किसी भी लड़ाई को जीता नहीं जा सकता साथियों। इसलिए आपका साथ और विश्वास बना रहे, मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। लेकिन जो कोई भी आपके जानकार साथी अंतिम वर्ष के हो, वो अगर परीक्षा देने के लिए कल परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ये हम लोगों का जो सोशल मीडिया का एक माध्यम है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस सूचना को पहुंचाने का काम करना है। शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक हमारी संदेश को पहुंचाने का काम करें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आशा है कल के प्रदर्शन के अंदर आप आसानी से का पालन करते हुए, हम पूरी नियमावली जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसका पालन करते हुए यूजीसी को भी झुकने पर मजबूर करेंगे और नौजवान जिस बात के लिए पूरे देश के अंदर जाना जाता है, संपूर्ण मानव जाति में एक संदेश नौजवानों ने जो दिया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस बात को हम साबित करेंगे। कई साथी बीएड के भी बात कर रहे हैं, प्रदेश का प्रत्येक वो नौजवान चाहे वो किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहा है उसके लिए हम लड़ेंगे, मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहा है, हर एक वो नौजवान साथी जो आने वाले समय के अंदर इस देश का भविष्य बनने वाला है उसके प्राणों को बचाने की आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है अगर आप नेतृत्व करते हैं। इसलिए आप चिंता नहीं करें, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। चाहे नर्सिंग के साथी हैं, कई नर्सिंग के साथियों के फोन आ रहे हैं, आपकी हर लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। कल के प्रदर्शन के अंदर आप बीकानेर राज के डूंगर महाविद्यालय में सुबह जो 10:30 बजे प्रदर्शन है उसमें आप पधारें, आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं और नौजवानों की आवाज बनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय छात्र शक्ति, धन्यवाद साथियों, जय हिंद फॉर डेली अपडेट्स।